बारा थाना क्षेत्र के कोरारी गांव में नवविवाहित महिला का गला दबा कर फंदे पर लटकाया। मायके से आए परिजनों ने मृतक महिला के ससुराल के 5 लोगों के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के बारा थाना क्षेत्र के कोरारी गांव से बड़ी ही दर्दनाक घटना सामने आ रही है। कोरारी गांव में नवविवाहित महिला को दहेज के कारण आए दिन प्रताड़ित कर रहे थे ससुराल वाले। महिला के विरोध करने पर महिला को दिनांक 24 नवंबर 2024 को महिला सरोजा देवी को गुस्से में आकर ससुराल वालों ने महिला का गला दबाकर फंदे पर लटका दिया। झूठी संरचना कर रोना पिटना शुरू कर दिया। महिला सरोजा देवी की 1-4 महीने की बच्ची है, लेकिन ससुराल वालों में खुशी नहीं थी। आए दिन सरोजा देवी को ताना सुनना पड़ता था, लेकिन ससुराल वालों से झगड़ा रोज होता था। सुबह झगड़े के दौरान ससुराल के सदस्यों ने मिलकर गला दबा दिया और जैसे ही रोने पीटने की आवाज़ गाँव के पड़ोस वालों को हुई, लोगों की भीड़ जुट गई। गाँव वालों द्वारा नवविवाहिता सरोजा देवी के मायके शिवराम बिंद पुत्र स्वर्गीय बड़े लाल बिंद निवासी मझगवां थाना कोंधियारा में सूचना दी गई। मायके पक्ष के सैकड़ों की संख्या में गांव परिवार रिश्तेदार कोरारी गांव पहुंचे तो हड़कंप मच गया। मृतक महिला सरोजा देवी के भाई ने बहन के ससुराल वालों के 5 लोगों के खिलाफ गला दबाकर फंदे पर लटकाने का आरोप लगाते हुए बारा थाने में लिखित तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया। 5 लोगों में मृतक महिला सरोजा देवी के पति सास ससुर नंद देवर आदि के खिलाफ बारा थाने में मुकदमा पंजीकृत किया। मृतक महिला सरोजा देवी के भाई तथा परिवारजनों की सहमति से शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। प्रयागराज से नरेंद्र यादव की रिपोर्ट।